हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। टुडे लेट अस लर्न मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑन एचआरएम। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव अपलोडेड द एमसीक्यूज ऑन एचआरएम। यू कैन वॉच इट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज The actual achievement is compared with objectives of job is first option job performance, job evaluation, job description, none of the above. Your time starts now. I hope आपने answer select कर लिया होगा। चलो देखते हैं question क्या कहता है। The actual achievement इज कंपेयर्ड विथ, किसके साथ हम एक्चुअल अचीवमेंट कंपेयर करते हैं? ऑब्वियसली जॉब परफॉर्मेंस के साथ, है ना। तो जॉब परफॉर्मेंस हमेशा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस में हम कंपेयर करते हैं। ये जॉब में जॉब परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जॉब में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो अपन, और अपने को स्टैंडर्ड दिया जाता है कि आपको कितना भी करके 80% अचीव करना ही करना है प्रोजेक्ट में, है ना। तो हमारी एक्चुअल अचीवमेंट क्या होगी उस जॉब में? 70% होगी। तो ये क्या हो गया? एक्चुअल अचीवमेंट हो गया। तो इसके डिफरेंस बिटवीन क्या है इन दोनों के? 10 है, है ना। तो 10 इसका डिफरेंस है, और अपन ने यहाँ पे इस 10 में काम करना है। और अच्छा, अगर हमें स्कोर करना हो तो अचीवमेंट, और अच्छा अचीवमेंट करना हो तो, है ना। सो लाइक दिस यू कैन कंपेयर दी परफॉर्मेंस। जॉब इवैल्यूएशन क्या होगा? जॉब इवैल्यूएशन मींस द वर्थ ऑफ द जॉब, इवैल्यूएटिंग द वर्थ ऑफ द जॉब। एक जॉब की कितनी वर्थ हो सकती है? जॉब इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है? या फिर सैलरी सेट करने के लिए, है ना। जैसे सेम जॉब हो तो, सेम ही लेवल के जॉब हो तो हम इवैल्यूएशन करते हैं कि इस जॉब की, पर्टिकुलर जॉब की वर्थ कितनी होगी। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा? जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब को डिस्क्राइब करेगा कि यहाँ पे जॉब में क्या क्या लोकेशन होगी, किस कंडीशन में यहाँ पे वर्क किया जाता है, है ना। मैंने इस लास्ट वीडियो में एक मीनिंग बताया है, एक वीडियो में जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, उसका डिफरेंसेस बताया है, आप उसको देख सकते हैं। आंसर इज द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इज ऑलवेज कंपेयर्ड विथ स्टैंड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। आई होप यू हैव क्लियर फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज majority of disputes in industries are related to the problems of wages, salaries, benefits, all of the above. kya ho sakta answer? your time starts now. I hope you have selected your answer. chalo dekhte hain। मेजॉरिटी डिस्प्यूट्स इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज़ में डिस्प्यूट्स होने का कारण क्या हो सकता है? वेजेस, सैलरीज, बेनिफिट्स और सभी, ये जो भी सभी है यहाँ पे। चलो देखते हैं क्या होगा आंसर यहाँ पे। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द नहीं दिया हो तो तब क्या आंसर होगा? नन ऑफ द अबव दिया हो तो आपका आंसर क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे, मेरे को देखना है कि आप लोग क्या आंसर देते हो इसके, है ना। तो इसका आंसर वेजेस होगा, अगर नन ऑफ द अबव दिया हो तो यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर उस टाइम वेजेस होगा। चलो, कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्या हो सकता है? डिमांड फॉर पे एंड बेनिफिट्स हाइक, डिमांड फॉर हाइजीन एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस के लिए भी वहाँ पे डिस्प्यूट्स हो सकता है, या फिर बेटर लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स के लिए वहाँ पे डिस्प्यूट्स हो सकता है, रिकग्निशन अप्रिसिएशन, जस्टिस ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, वन अपमैनशिप अमॉन्ग द यूनियंस, जो भी वहाँ पे लीडर बनना हो उनके लिए, लीडर किसी भी यूनियंस की यूनियन में लीडर बनाना हो तो वहाँ पे डिस्प्यूट्स हो सकती है, एक्सटर्नल इंटरफ्रेंस होगा, न्यूमरस लेबर्स लेजिस्लेशन। तो ये सभी यहाँ पे डिस्प्यूट्स हैं, है ना। नेक्स्ट इज Identify the dash candidates and dash them to apply for job is called as available insisting selection,
अवेलेबल मेकिंग रिक्रूटमेंट, पोटेंशियल इंसिस्टिंग रिक्रूटमेंट, पोटेंशियल अट्रैक्टिंग रिक्रूटमेंट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टॉपिक मैंने करवाया हुआ है आपको, तो आप देख सकते हो क्या आंसर हो सकता है. आई होप यू हैव सेलेक्टेड योर आंसर. सो लेट्स सी आइडेंटिफाइंग द डैश कैंडिडेट्स क्या हो सकता है. फर्स्ट जो भी फिलिंग द वर्ड है वहाँ पे देखते हैं अवेलेबल होगा या पोटेंशियल होगा. आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कैंडिडेट्स हो सकता है, तो ये दो तो गया है ना. अभी ये दो ऑप्शन बचे हुए हैं. तो हमेशा हम लोग पोटेंशियल कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. पोटेंशियल क्या होता है, मीनिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, उनको हम पोटेंशियल बोलते हैं. सेकंड डैश में क्या हो सकता है, एंड देम टू अप्लाई. तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन बचे हुए हैं. तो यहाँ पे इंसिस्ट होगा या अट्रैक्टिंग होगा. कोई कंपनी कैंडिडेट्स को इंसिस्ट करता है क्या कि भाई नहीं प्लीज़ प्लीज़ आप आ जाओ यहाँ पे हमारी कंपनी में जॉब करने के लिए. देखा क्या आपने, नहीं ना. तो वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, अट्रैक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ को. सो आंसर इज अट्रैक्टिंग फॉर द जॉब इज कॉल्ड एज डैश. यहाँ पे रिक्रूटमेंट बोलते हैं हम. सो आंसर इज फोर्थ वन, आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल कैंडिडेट्स एंड अट्रैक्टिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट, है ना. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है. अगर आपको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन सीखना है तो मेरा आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं. आई होप यू हैव क्लियर दिस. फोर्थ क्वेश्चन इज द बेसिस फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज, फर्स्ट ऑप्शन economic trends, second option demand for employees, strategic plan of the firm, budgets, none of the above. Your time starts now. बहुत basic question है ये. I hope you have selected your answer. So let's see. द बेसिस फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लान करने के लिए बेसिस क्या हो सकता है, फर्स्ट बेसिस क्या हो सकता है यहाँ पे. इकोनॉमिक ट्रेंड्स, डिमांड फॉर एम्प्लॉयज, या स्ट्रैटेजिक प्लान, या बजट्स, या नन ऑफ द अबव. सो ऑप्शन यहाँ पे पांच ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा. स्ट्रैटेजिक प्लान ऑफ द फर्म इज द राइट आंसर. सो यहाँ पे आपने देखा होगा कोई भी अगर कुछ भी काम कर रहे हो अपन, अगर अपने पढ़ाई के लिए भी देखे तो पहले हम प्लान करते हैं कि अपन को आज कुछ भी करके ये टॉपिक कंप्लीट करना है, कुछ भी करके सोना भी नहीं है पहले, ऐसे हम प्लान करते हैं ना. अगर या फिर शीट में भी पेपर में नहीं लिखते हैं तो फिर अपन माइंड में भी काम करते हैं कि भाई प्लान करते हैं कि भाई नहीं हमें ये टॉपिक आज कंप्लीट करके ही सोना है. तो ऐसे कोई भी काम करने से पहले हम लोग प्लान करते हैं. वैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं पहले, तो उसे हम स्ट्रैटेजिक प्लान ऑफ द फर्म इज द राइट आंसर यहाँ पे. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस क्या हो सकता है, फर्स्ट यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है, फिर रिक्रूटमेंट होता है या फिर डी रिक्रूटमेंट. प्लानिंग करके फिर हमें सोचते हैं कि भाई रिक्रूट करें या नहीं करें, है ना. तो उसके बाद सिलेक्शन होता है, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज हमें मिल जाते हैं, फिर ओरिएंटेशन होता है, मतलब उनको सेलेक्ट कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ में, फिर ट्रेनिंग देते हैं उनको, अडॉप्ट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ विद करेंट स्किल्स एंड नॉलेज, उनको ट्रेनिंग के थ्रू हम देते हैं. फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्राइजल करते हैं यहाँ पे कि उन्होंने कितना सीखा है, उनको कितना और सीखना है. कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स उनको बताते हैं हम लोग एंड देते हैं कॉम्पनसेशन उनको. फिर करियर डेवलपमेंट उनको हम करवाते हैं उनको करियर के रिगार्डिंग. फिर हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ ओवर द लॉन्ग टाइम. करियर डेवलपमेंट क्यों होता है वहाँ पे, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए, एक एम्प्लॉय के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए हम करियर में डेवलपमेंट करवाते हैं, है ना. आई होप यू हैव क्लियर दिस वन. सो नेक्स्ट वन, द लास्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट फैक्टर इन डिसाइडिंग सप्लाई ऑफ लेबर इज, डेवलपिंग स्टाफ टेबल, इश्यूइंग एडवर्टाइजमेंट, प्रिपेयरिंग रिप्लेसमेंट चार्ट, एनालाइजिंग लेबर मार्केट, auditing present employees. So your time starts now.
आई होप यू हैव सेलेक्टेड योर आंसर. सो लेट्स सी द आंसर. फर्स्ट फैक्टर क्या हो सकता है सप्लाई ऑफ लेबर के लिए? डेवलप ऑफ स्टाफ टेबल, या एडवर्टाइजमेंट इश्यू करना, या रिप्लेसमेंट चार्ज बनाना, एनालाइजिंग लेबर मार्केट को, या फिर ऑडिटिंग प्रेजेंट एम्प्लॉयज. मेरे हिसाब से आप लोगों को इन दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूज दिया होगा, है ना, कन्फ्यूज हुए होंगे. क्या आंसर हो सकता है यहाँ पे? सो यहाँ पे आंसर इज ऑडिटिंग प्रेजेंट एम्प्लॉयज. यहाँ पे हम लोग पहले ऑडिटिंग प्रेजेंट एम्प्लॉयज देखते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग मार्केट में किराना का सामान लेने जा रहे होते हैं, हम पहले अपने घर में चेक करते हैं ना कि अपने पास पहले कितना सामान है, फिर हम वो सामान लेके आते हैं ना. तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम लेबर्स को रिक्रूट कर रहे हैं वहाँ पे, तब हम पहले अपने पास कितने एम्प्लॉयज़ है पहले वो देखते हैं, फिर अपने पास और कितने चाहिए वो हम देखते हैं, है ना. अपने पास पहले कितना है वो फर्स्ट, नेक्स्ट अपन कितने को रिक्रूट करना है वो हम देखते हैं. सो हियर ऑडिटिंग द प्रेजेंट एम्प्लॉयज इज द आंसर. आई होप यू हैव लाइक द सेशन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. कीप लर्निंग. अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना. एंड हाँ, प्लीज़ अपने मार्क्स मुझे शेयर करना. थैंक यू.